नमस्कार दोस्तों, अशोक बालियान जी से आप परिचित हैं, हमारे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और पिछली बार जब इनसे बात हुई थी तो हमने कृषि कानूनों के मुद्दे पर इनसे बातचीत की थी और उस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। उस समय इन्होंने कुछ तथ्य हमारे सामने पेश किए थे और ये बताया था कि कृषि कानून किस तरीके से किसानों के हित में है और इन्हें इसी स्थिति में लागू किया जाना बहुत जरूरी है। अभी एक और मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि वही किसान संगठन जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे आज इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये है जीएम सरसों वाला जो मामला है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है अशोक जी को। अशोक जी ने काफ़ी रिसर्च भी की है और ये देखिए इतने सारे पेपर फाइल लेकर पूरे हमारे पास उपस्थित हुए हैं। अशोक जी, हमें समझाइए कि जीएम सरसों है क्या वास्तव में। देखिए हर्ष जी, हरित क्रांति के बाद देश खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हुआ था, लेकिन ये 2000 के आसपास फिर इसमें कृषि में एक बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में आया और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का की किस्मों को विकसित किया गया और भारत में इसके बाद में बीटी कॉटन के नाम से कॉटन को स्वीकृति दी गई। ये तो हर्ष जी बैंगन को लेकर भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस केस के जाने के बाद में जो है भारत के वैज्ञानिकों को धक्का लगा, क्योंकि आपने कृषि कानूनों में भी देखा था, आपने नर्मदा बांध योजना में भी देखा था कि कुछ खास किस्म के लोग हैं जो देश में इस तरह के जो तरक्की के चांस हैं उनका विरोध करते हैं और वो सब कुछ विरोध किसानों के नाम पर, विस्थापितों के नाम पर, अगर कहीं बांध बन रहा है उन्हीं के नाम पर करते हैं। तो जीएम सरसों को फिर लोगों को, ये किसानों को ये बताया जा रहा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी का ईजाद किया हुआ है, ये सीड्स है जो ट्रायल किया जाएगा और सरकार इसको ट्रायल को ना करे, जबकि ये प्योरली भारतीय कृषि वैज्ञानिक के द्वारा विकसित की गई एक सरसों की किस्म है जिससे पर्यावरण को, हर्ष जी, या किसी दूसरी चीज़ों को कोई नुकसान की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हम भारत सरकार के नहीं, आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि इसका प्रयोग किया जाएगा, अभी ये ट्रायल मोड पे है या अभी ये किसानों के लिए अवेलेबल है? नहीं नहीं, अभी किसानों को तो ये ट्रायल 2 साल का इसका ट्रायल पीरियड होगा, अभी इसको विकसित किया है, ये अभी मुश्किल से 10 किलो के आसपास इसका सीड अभी तैयार हुआ है, तो वो इतनी कम संख्या में किसानों को देकर ट्रायल नहीं किया जा सकता। अभी तो उसको कुछ सीमित खेतों में ट्रायल भी किया जाएगा, उसकी रिसर्च भी होगी और वो इसके बाद 2 साल के बाद फिर बिक्री के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो फिर इसका अभी ट्रायल बेस पे ही अभी सब कुछ चल रहा है, अभी से ही विरोध शुरू कर देना, ये आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैंने आपसे कहा कि हर चीज, जो लोग किसान कानूनों का विरोध कर रहे थे वही लोग घूम फिर कर फिर किसानों के बीच में इस बीटी सरसों के जो किस्म विकसित किए भारतीय वैज्ञानिकों ने उस पर 3-4 बातें वो लोग कहते हैं कि इनका स्वास्थ्य पर बुरा असर, पशुओं के मतलब जो इस सरसों को खाएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे वो सेहत के लिए सही नहीं है। जी जी, दूसरा कहते हैं कि जो खल सरसों से निकलेगी उसको पशु खाएंगे उसका उससे नुकसान पड़ेगा, पशुओं को नुकसान होगा और पशुओं के दूध से फिर वो इंसान को नुकसान होगा। तीसरा वो कहते हैं कि जो हमारे मित्र कीट पतंगे हैं जिसमें खासकर तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दुनिया में जितनी कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने जांच की, भारत में बेंगलोर विश्वविद्यालय ने जांच की, ICR के नेतृत्व में 6-7 मुख्य संस्थाओं ने इसकी जांच की, क्योंकि बीटी कॉटन आ चुका था और बीटी कॉटन भी सरसों की तरह उससे बिनोला निकलता है और बिनोले को पशु खाते हैं और उसका तेल भी निकलता है जो दुनिया में बहुत देशों से हम लोग खुद भी आयात करते हैं, दूसरे देशों से भी हम लोग आयात करते हैं। तो उसकी जाँच में कहीं भी न तो ये पा गया, ये सारी की सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं इसकी कि भाई ये सारी की सारी रिपोर्टें हैं कि कहीं भी दुनिया में ये जांच में तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य नहीं आया कि ये पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है या पशुओं को बिनोला खाने से नुकसान हुआ है या मधुमक्खी तितलियों को नुकसान हुआ है, बल्कि उल्टा इसका दुनिया में एक फ़ायदा हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में जिन बीमारियों को लड़ने की इनके पौधों में क्षमता होती है बीटी सीड्स के, उन बीमारियों में पेस्टिसाइड की खपत को बेहद कम किया गया, अर्थात पर्यावरण को इसका हर्षित फायदा हुआ। जाहिर सी बात है कि कोई चीज अगर रिसर्च के बाद बनाई जा रही है तो उसमें ये सभी पहलू तो वैज्ञानिक भी ध्यान में रखते होंगे कि मित्र कीट है उनका ध्यान रखा जाए,
इससे जो बाई प्रोडक्ट्स बने वो सेहत के लिए फायदेमंद हो, ये तो पहले ही सोच के चलते होंगे वैज्ञानिक। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने खुद संसद में बना था कि बीटी सीड्स को लेकर, इनकी किस्मों को लेकर भारत में बहुत सख्त नियम है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाया हुआ है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसका मानक बनाया हुआ है, भारत सरकार उनको पूरा करती है और उस पूरे मानक को पूरा करने के बाद ही पहले फार्म ट्रायल की इजाज़त दी जाती है, और फार्म ट्रायल के बाद यदि वो सब कुछ ठीक रहता है और अपने मानक पर वो जाँच में खरा उतरता है वो सीड, तो तब वो फिर किसानों को दिया जाता है, जैसे बीटी कॉटन के लिए दिएगा। अभी देखो हर जी, एक समय था कि हम कॉटन को आयात करते थे, बहुत बड़ी संख्या में आयात से भारत का बजट भी बिगड़ता था, लेकिन आज हम निर्यात करने लगे, तो जब पाकिस्तान को बहुत कॉटन जाता है यहाँ से, बिल्कुल जाता है, आज हम निर्यात करने लगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ी, और किसानों की आमदनी बढ़ी तो देश में कृषि का जो योगदान है वो बड़ा होगा निश्चित तौर पर। लेकिन वे लोग नहीं चाहते कि जो लोग देश में तरक्की के विरोध में रहते हैं वो हमेशा खड़े हो जाते हैं, और किसानों को बगैर किसी कृषि वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर इन बीटी सीड्स या जीएम फसलों का विरोध करते हैं। अब ये देखो, हम कितनी बड़ी संख्या में हर्ष जी खाद्य तेलों का आयात करते हैं, सबको पता है कि हम लोग करते हैं, और जीएम फसलों का भी, खाद्य तेलों का भी आयात कर रहे हैं हर्ष जी, हम लोग तो अभी तो मैक्सिमम आयात पे ही है। हाँ, और वो भी जीएम फसलों का, जो भारत में इजाजत दी है हम उन्हीं फसलों का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं, तो पिछले 15 सालों से अगर हम उन खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं जो जीएम फसलों के द्वारा उत्पादित है, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का ये पर्यावरण मंत्रालय का ये कदम, जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। मैं दर्शकों के लिए अपने बता, हाँ बिल्कुल, यह है तो बहुत सारी रिपोर्टों को मद्देनजर रखते हुए ही भारत सरकार ने इसकी इजाजत दी है, और मैं समझता हूँ कि 2 साल में ये भारत के किसानों को अर्जी मिलने लगेगी, इससे कृषि में एक बहुत बड़ी तरक्की आएगी। और मैं कहता हूँ कि जो दूसरी फसलें जैसे बीटी कॉटन का है, उसका बीटी बैंगन का है, वो अभी रुका हुआ है, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर एक डेट लगी हुई है 10 तारीख में, और अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा, देखते हैं क्या फैसला होता है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद में जो बीटी सरसों की बड़े पैमाने पर उत्पादन की इजाजत देगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, सबसे पहले बेसिकली ये बताइए कि इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई कि यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का सीड इस्तेमाल किया जाए, और इसका किसानों को प्रत्यक्ष रूप से, सबसे पहले बाय प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष रूप से फसल पे और उसकी जो उत्पादन क्षमता है उस पे क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है? देखिए, बीटी फसलों के जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं उसमें किसानों को 2-3 फायदे मुख्य रूप से सामने आए हैं। एक तो उनकी जो उत्पादन लागत है, क्योंकि उनको पेस्टिसाइड का कम यूज करना पड़ता है, तो उससे उनकी लागत जो है कम आती है, तो निश्चित तौर पे किसी भी कृषि उपज में लागत कम आएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा है कि उसकी उपज बढ़ती है। आज हम भारत में जितना प्रति हेक्टेयर हम बीटी कपास का उत्पादन बीटी पहले मतलब सामान्य फसलों से में ले रहे थे, उससे दुगुना हो गया हमारा, तो मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है, हमारी पेस्टिसाइड की लागत कम हो, हमारा उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा निर्यात होगा, निर्यात होगा तो हमें उसका मूल्य भी मिलेगा, और भारत सरकार जो विदेशी मुद्रा खर्च करती है आयात पर, निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं वो किसानों को भी लाभ देगी। आपने देखा भी होगा कि दालों के मूल्य को लेकर कई सालों से बहुत अधिक मूल्य बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि किसान उसके लिए प्रेरित हो, ताकि हम दालों को बाहर से आयात ना करना पड़े, उसका फायदा भी हुआ किसानों को। तो ये 2-3 फायदे हैं कि जो किसानों को निश्चित तौर पर होंगे, इसीलिए आज इसकी ज़रूरत है। सरकार का इसके बारे में क्या प्लान है कि अभी ये किस लेवल पे है और कितने समय में इसे किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, सरकार ने इसके लिए क्या रूट मैप तैयार किया है? देखिए, जो भी सरकार की अथॉरिटी हैं जो इस काम के लिए इजाजत देती हैं, उन्होंने इसको इजाजत दे दी है, ये कमेटियां पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करती हैं या कृषि मंत्रालय के अधीन काम करती हैं, और ये भी एक अच्छी बात है कि ICAR को इसकी निगरानी का काम सौंपा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भारत की सबसे बड़ी कृषि वैज्ञानिकों की एक बॉडी है, उसको इसके निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है, उसकी देख देख में 2 साल में ये व्यापारिक फसलों के लिए इसका सीड्स तैयार करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे और उसका प्रभाव भी देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य पर या मधुमक्खियों पर या तितलियों पर या दूसरे जो मित्र कीट पतंगे हैं किसानों के, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद भी फिर जो है किसानों को दिया जाएगा। तो 2 साल तक अभी किसानों को
और इंतजार करना पड़ेगा जीएम सरसों के सीड के लिए। अच्छा, तब तक तो खैर इसका विरोध चलता ही रहेगा। इसका जो जीएम सरसों है, इससे निकलने वाला तेल किस तरह का होगा? बिल्कुल, अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है, जो जैसे कहते हैं हम कड़वा तेल खाते हैं, ये कहते हैं जो सरसों है कोई कड़वी होती है, किसी में बहुत तेज मिर्च लगती है, जलन होती है, तो इस तरह इसका किस तरह का होगा? अब तक की जितनी भी रिसर्च आई है या जिन देशों में जीएम सरसों का उत्पादन हो रहा है, वहाँ कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जो सामान्य सरसों की जो उनकी वैरायटी थी उसमें या बीटी सरसों में कोई उनका खास टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, कोई टेस्ट में अंतर नहीं। ये केवल वे पौधे इस तरह के हैं कि जो दुश्मन कीट पतंगे हैं उनमें से कुछ खास कीट पतंगों को, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा किसानों को पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता था, उनका प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें किसानों को अब जैसे अभी तो आपने बताया कि इसका 10 किलो सीड ही तैयार हुआ है, 10 किलो से और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, फिर उसके प्रयोग होंगे, तो ये तो मुझे लग रहा है कम से कम एक लंबा प्रोसेस है। जैसे आपने 2 साल का, हो सकता है 2 साल से ज़्यादा भी लग जाए किसानों के लिए उपलब्ध कराने के लिए। हाँ, ये हो सकता है हर्ष जी कि कुछ बाधाएं आ जाए, लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि सरकार इसके प्रति गंभीर है और निश्चित तौर पर 2 साल के बाद ये व्यापारिक फसलों के लिए किसानों को उपलब्ध हो सकता है। और भारतीय वैज्ञानिकों को मैं इस बात के लिए, खासकर दीपक पटेल जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से के कृषि वैज्ञानिक है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनकी टीम ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद जो है इसको किया है। और मैं हमारे बेंगलोर के जो कृषि विश्वविद्यालय में उनके वैज्ञानिकों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बीटी कॉटन पर रिसर्च किया था। रिसर्च के बाद ये उनकी रिपोर्ट आई थी कि इससे कोई भी मधुमक्खियों के शहद बनाने पर या उस शहद में कोई विपरीत यह असर उसका नहीं है बिल्कुल भी। और ये बात भी बिल्कुल असत्य और भरमाक है जो किसान संगठन विरोध कर रही है कि हमारा निर्यात नहीं होगा और 20 लाख जो मधुमक्खी पालक किसान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ये सब बिल्कुल, उनके पास कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जिससे उनको नुकसान होता हो, और वो गैर तथ्यहीन गैर कृषि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के इस बात को कर रहे हैं। और मैं किसानों से भी आपके माध्यम से अर्जी अपील करना चाहता हूं कि इन चीज़ों को नहीं किया जाना चाहिए। किसानों के नाम पर अगर आप देश में इस तरह की राजनीति करोगे, निगेटिव राजनीति करोगे, तो आपको एक दिन खुद को भी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप ये खुद जो संगठन इस काम को कर रहे हैं वो किसानों के हित के बजाय देशद्रोह का काम कर रहे हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को भी इसी तरह, आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि किसानों की जमीन कैसे चली जाएगी, किस धारा में चली जाएगी, किस सेक्शन में चली जाएगी, और केवल काले बताते रहे। लेकिन मोदी सरकार को जब व्यापक पैमाने पर हिंसा का अंदेशा हुआ तब उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन वो देश के किसानों का दुर्भाग्य था हर्ष जी कि कृषि कानून वापस। कहीं ऐसा ना हो शोक जी कि इसको भी विरोध के बाद वापस ले लिया जाए, जिस तरह से बैंगन वाला मामला पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ के इसकी स्वीकृति दी है और उसकी स्वीकृति के एक वैज्ञानिक आधार है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो ट्रायल किया जाएगा फार्म पर, अब उसमें कोई रुकावट की नहीं आनी चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि सरकार इस पर बैक ऑफ नहीं करेगी, और अगर किसानों के फायदे की चीज है तो इसे हर हालत में लागू किया जाना चाहिए, किसानों को अवेलेबल कराया जाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बातचीत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।